हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पावर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने 13 मई के टॉप करंट अफेयर्स, और ये करंट अफेयर्स आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही सारे करंट अफेयर्स इस शो में शामिल किए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कंफर्टेबल फील होगा। तो चलिए अपना लेक्चर हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, फेसबुक ने व्हाट्सएप पे को भारत में लॉन्च करने के लिए उसका वैश्विक संचालन सेंटर को कौन से शहर में बनाने की घोषणा की है। तो फेसबुक जो है वह व्हाट्सएप के ज़रिए पेटीएम और फ़ोनपे की तरह अपना एक तरह से पे लॉन्च कर रहा है व्हाट्सएप पे को भारत में। तो इसका जो वैश्विक संचालन सेंटर बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा लंदन में, जिसके लिए फेसबुक ने लंदन में करीब 100 लोगों को नौकरी देने पर रखा है। और इसकी जो घोषणा की गई, ये फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के द्वारा की गई है। तो अब जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, इन तरह से जैसे हम पैसों की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं आसानी से इन ऐप के ज़रिए, ऐसे ही फेसबुक में भी अब मनी को ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो अब आप याद रखिएगा कि फेसबुक भी अपना एक तरह से व्हाट्सएप पे ऐप लॉन्च करने वाला है। अब अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फेक न्यूज़ से निपटने के लिए किस देश की संसद ने हाल ही में फेक न्यूज़ विधेयक पारित किया है। तो फेक न्यूज़ जो है वह केवल हमारे ही शहर में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में एक बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है। तो इससे निपटने के लिए सिंगापुर संसद ने एक स्पेशल तरह का विधेयक पारित किया है, और इस विधेयक के द्वारा ऑनलाइन मीडिया को सरकार के अनुसार फेक सूचनाओं को सुधारने या हटाने का मौका देगा। यानी कि इस विधेयक के अंतर्गत जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं, ऑनलाइन मीडिया और सरकार दोनों उसी विधेयकों के अनुसार काम करेंगी और फेक न्यूज़ को ख़त्म करने पर और भी ज़्यादा जोर देंगी। तो इसी तरह का जो एक पारित किया गया है विधेयक, ये सिंगापुर के संसद में किया गया है। ऐसा और भी कई देशों को करना चाहिए। हमारे देश में भी जो फेक न्यूज़ है वे एक बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो सिंगापुर के द्वारा उठाया गया ये स्टेप पूरे वर्ल्ड के लिए एक इंस्पिरेशन भी हो सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि सिंगापुर संसद। अब अपने तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कैलिफोर्निया में हुई सालाना डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में किस कंपनी ने नया ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड क्यू लॉन्च किया है। तो जो ये एंड्रॉयड क्यू लॉन्च किया गया है, ये गूगल के द्वारा हाल ही में कैलिफोर्निया में हुई डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया गया है। और कैलिफोर्निया में हुई इस सालाना डेवलपर कॉन्फ्रेंस में क्यू एंड्रॉयड लॉन्च के साथ साथ दो नए स्मार्टफोन्स भी लॉन्च किए गए हैं। और इसी के साथ जो गूगल है उसने इस कॉन्फ्रेंस में कई सारे और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, लेकिन जो ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम क्यू है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि इसे लॉन्च किया गया है हाल ही में गूगल के द्वारा। अब अगला प्रश्न देखिए, भारत की जगजीत पवाड़िया को सबसे अधिक वोटों से INCB के लिए किसने दोबारा नियुक्त किया है। तो एक बार फिर से इंटरनेशनल नैरोटिक कंट्रोल बोर्ड के लिए जिन्हें चुना गया है वह जगजीत पवाड़िया, और इन्हें इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि ECOSOC के द्वारा फिर से चुन लिया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने इन्हें 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया है अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ और नियंत्रण बोर्ड यानी कि इंटरनेशनल नैरोटिक कंट्रोल बोर्ड के लिए, जो कि यूनाइटेड नेशन का पूरे वर्ल्ड में जो मादक पदार्थ होते हैं और नैरोटिक्स होते हैं उन पे कंट्रोल रखता है। क्योंकि हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी है इसलिए आप इनका नाम याद रख सकते हैं। अब 5वां प्रश्न है, स्मार्ट होम डिवाइस पोर्टफोलियो को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने नया नेस्ट हब मैक्स डिवाइस लॉन्च किया है। तो अभी ही मैंने आपको बताया कि गूगल ने एक क्यू नाम का डिवाइस लॉन्च किया है। इसी के साथ पोर्टफोलियो को बढ़ावा देने के लिए नेस्ट हब मैक्स डिवाइस भी गूगल के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। इस नेस्ट हब मैक्स डिवाइस में
स्मार्ट डिस्प्ले, स्मार्ट स्पीकर और स्मार्ट कैमरा है। इस डिवाइस की 10 इंच की एक HD स्क्रीन है जिसके टॉप पर वाइड एंगल कैमरा लगा है। क्योंकि ये गूगल के द्वारा पोर्टफोलियो को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है, तो आप लोग याद रख सकते हैं कि इसे गूगल के द्वारा एक IT कंपनी है जो उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न, टीम साउथ इंडिया ने किस टीम को फाइनल में हराकर पहला स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया है? तो ये जीता गया है इंग्लैंड के द्वारा। हाल ही में हमारे देश में 30 मई से वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। इसी से पहले पहली बार स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप शुरू किया गया था ताकि जो बच्चे गलियों में क्रिकेट खेलते हैं उन्हें बढ़ावा दिया जा सके और उन्हें इनकवरेज किया जा सके। तो ये टीम साउथ इंडिया ने हाल ही में इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में जीत लिया है, क्योंकि हमारी टीम इंडिया ने जीता है जो कि साउथ इंडिया टीम है और इंग्लैंड में ही हो रहा था और इंग्लैंड को ही हरा कर जीता है। तो आप देख ही सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। साथ ही इस खिलाड़ी आयुष्मान को टूर्नामेंट में बेस्ट फील्डर का पुरस्कार दिया गया। तो बेस्ट फील्डर का पुरस्कार किसे दिया गया? आयुष्मान को, ये भी आप याद रख सकते हैं। और हमारी कंट्री की टीम साउथ इंडिया ने जीता है इंग्लैंड को फाइनल में हराकर, ये भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये पहली बार हुआ है। अब सातवां प्रश्न देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश की धातुओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरानी धातुओं पर और भी ज़्यादा प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। इनके द्वारा ईरान के स्टील, लोहा, एल्यूमिनियम तथा तांबे का निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ईरान न्यूक्लियर डील जो कि 2015 में साइन हुई थी, 2018 में जुलाई में ये इससे बाहर निकल गए थे। इसी के बाद जो अमेरिका के निरंतर ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और ईरान की जो इकोनॉमी है वह पूरी तरह से डगमगा रही है। तो अब देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वे ईरान के साथ और क्या सलूक करते हैं। अब आठवां प्रश्न है, IPL 2019 में शिखर धवन को पीछे छोड़कर कौन सा बल्लेबाज सबसे ज़्यादा अर्धशतक लगाने वाला पहला भारतीय बन गया है? तो इनका नाम है सुरेश रैना। तो हमारे ही देश के सुरेश रैना हमारे ही देश के शिखर धवन को पीछे छोड़कर IPL में सबसे ज़्यादा अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। IPL मैच में 38वां अर्धशतक लगाया गया है सुरेश रैना के द्वारा और शिखर धवन के द्वारा 157 मैच में 37 अर्धशतक लगाए गए थे। तो आप याद रख सकते हैं इनका नाम है सुरेश रैना। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने 2015 के परमाणु समझौते से आंशिक तौर पर बाहर निकलने की घोषणा की है? अभी ही मैंने आपको बताया कि 2015 में ईरान और P5+1 कंट्रीज़ के द्वारा ईरान न्यूक्लियर डील साइन की गई थी जिसमें ईरान को अपने सारे जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन्हें बंद करना था बनाना, और इसके बदले जो भी ईरान पे सैंक्शंस लगे हुए थे USA और अदर कंट्रीज़ के द्वारा वह हटा दिए जाने थे, जो कि ईरान के साथ साइन की गई थी P5+1 कंट्री की। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वे 2018 में इससे बाहर निकल गए थे। तो अब जो हसन रूहानी हैं उन्होंने भी कह दिया है कि जो और सभी कंट्रीज़ हैं अगर उन्होंने जल्द ही इसका फैसला नहीं किया कि ईरान न्यूक्लियर डील का क्या होना है तो वह भी इससे बाहर निकल जाएंगे। इसमें इनके द्वारा 60 दिन का समय दिया गया है और अगर ये इस समझौते से बाहर निकल जाते हैं तो इनके द्वारा कहा गया है कि अब इस समझौते के तहत अपनी दो प्रतिबद्धताओं का पालन करना ये बंद कर देंगे। यानी कि इनके द्वारा जो भी इस डील में साइन किया गया था कि ये कोई भी न्यूक्लियर वीपन नहीं बनाएंगे, कोई भी बमबारी नहीं करेंगे, वह सब इनके द्वारा फिर से शुरू कर दिया जाएगा। अब दसवां प्रश्न देखिए, UNEP के द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक भारत और किस देश में विश्व के कुल सीमेंट उत्पादन का 2/3 भाग तैयार किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है चीन। तो ये जो
रिपोर्ट जारी की गई है UNEP के द्वारा। इसमें यह कहा गया है कि जो भारत और चीन है वे विश्व के कुल सीमेंट उत्पादन का 2/3 भाग तैयार कर लेते हैं और एशिया को मिलाकर 67% भाग जो है वे एशिया द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि 67% जो है वे अकेले एशिया के द्वारा ही तैयार किया जा रहा है और भारत और चीन जो है वे 1/3 भाग तैयार कर रहे हैं पूरे विश्व का। तो आप इस डेटा को लर्न कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।